अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम हाजिर है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। टॉपिक चल रहा है आइसोमेरिज्म, उसके भी अंदर टॉटोमेरिज्म, और आज के क्लास में टॉटोमेरिज्म पर थोड़ी स्पेशल बातें हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल को स्पेशली हम थोड़ा ध्यान से देखें, क्या इस मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म हो पाएगा। ओके, हम लोग इसको थोड़ा बेसिकली एनालाइज करते हैं। सपोज ये मॉलिक्यूल ऐसा रहा होता, सिर्फ इतना रहा होता, क्या टॉटोमेरिज्म हो पाएगा? तो हम बोलेंगे यहां पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन sp3 भी है और इस पर हाइड्रोजन भी है, सब कुछ सेट है। हाइड्रोजन यहां से निकालोगे, हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या होगा, कार्बन पर माइनस आएगा, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, फिर ये माइनस का चार्ज रेजोनेंस करेगा, इधर ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा, तो ऑक्सीजन पर आ गया माइनस का चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, और जब ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज आ गया तो इसी में एच प्लस चिपका दो, एच प्लस चिपका दोगे तो ये बन गया तुम्हारा इनॉल। यही है मैकेनिज्म के साथ, हमने बिल्कुल समझ लिया कि यहां तक तो ठीक है। चलो मान लो हम हाइड्रोजन इधर से न लेना चाहे तो हाइड्रोजन यहां पर भी है, ठीक, इन चारों में से कोई भी हाइड्रोजन अगर जिंदाबाद है तो टॉटोमेरिज्म जिंदाबाद, टॉटोमेरिज्म होता रहेगा, राइट। सपोज हम यहां पर डबल बॉन्ड लगा दें, डबल बॉन्ड लगाने से क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा, ये दोनों कार्बन sp2 और sp2 हो जाएंगे, sp2 होते ही इस कार्बन का काम खत्म, ये कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा टॉटोमेरिज्म में, ये वाला कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए तो इसमें अभी भी टॉटोमेरिज्म होगा, लेकिन इधर से नहीं हो सकता, बस इधर से होगा। एक तो हम इसको थोड़ा सेपरेट बना देते हैं, नहीं तो बाद में कचरा पट्टी हो जाता है। इसमें चारों हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो अब सिर्फ ये दो हाइड्रोजन जो है टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों हाइड्रोजन को हटा करके इसके बदले में मिथाइल ग्रुप लगा दे रहे हैं, मिथाइल और मिथाइल लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन भी नहीं छोड़ा, क्या अब भी टॉटोमेरिज्म होगा? तो अगर टॉटोमेरिज्म के बारे में तुम सिर्फ उतना ही जानते हो जितना पिछले क्लासेज में हमने तुम्हें बताया है, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्फा पोजिशन पर हाइड्रोजन है नहीं, इधर ये अल्फा पोजिशन पर हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये कार्बन जो है sp2 है, और sp2 कार्बन होने की वजह से ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो देखने में लग रहा है कि टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, लेकिन यहां से ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट इस बार करेगा इसकी वजह से, ठीक। देखने में लगेगा कि इधर से टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता, इधर से नहीं हो सकता, तो अब टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, लेकिन टॉटोमेरिज्म अब की बार इधर से होगा। कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। तो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर दो मिथाइल ग्रुप्स है, यहां पर दो हाइड्रोजन एटम्स है, एक को दिखाया एक को छुपा रहने दो। हमने हाइड्रोजन को हटाया, जब हाइड्रोजन को तुम हटाओगे तो कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा, यहां हो गया निगेटिव चार्ज, बाकी चीजें उसी तरह से लिख डालो, ठीक। तो यहां पर हमने बना लिया निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज देखो रेजोनेंस करेगा, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन पर निगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करके इधर डबल बॉन्ड बना दोगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां उठाकर रख दोगे तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। डबल बॉन्ड और अगले कार्बन पर माइनस का चार्ज, माइनस का चार्ज मतलब यहां दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इलेक्ट्रॉनों को यहां डोनेट करोगे डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करो डबल बॉन्ड बना लो, बना लिया हमने। इस एरो का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके इस कार्बन पर रख दो, निगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये रेजोनेंस हुआ, तो वही रेजोनेंस यहां पर होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रखा इधर डबल बॉन्ड, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, यहां पर निगेटिव चार्ज, तो रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस के लिए ये वाला एरो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ये एरो रिएक्शन वाला एरो है और ये एरो रेजोनेंस वाला एरो है। तो यहां पर हुआ डबल बॉन्ड, यहां पर तुमने दोनों इलेक्ट्रॉन रखे निगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन मन के अंदर रखे रहो बार बार, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। अब फिर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट किए, डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास,
तो नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इधर डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये। और जब नेगेटिव चार्ज यहां पर चला आया तो ध्यान देना, अगर नेगेटिव चार्ज यहां पर चला आया तो H प्लस जो यहां से तुमने अलग किया है वो H प्लस यहां पर भी चिपकाया जा सकता है, ये H प्लस यहां पर भी चिपकाया जा सकता है, ये H प्लस यहां पर भी चिपकाया जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज थोड़ा यहां पर है, थोड़ा यहां पर है, थोड़ा यहां पर है। तो अगर H को हम इसमें चिपका दें तो जो अगला स्ट्रक्चर मिलेगा वो देखोगे OH CH3, ठीक, ये डबल बॉन्ड। तो इस चीज को स्टेप बाय स्टेप लिख करके तुम भी अपनी तरफ से कंफर्म कर लिया। तो कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि तुमको लगेगा ना तो इधर अल्फा हाइड्रोजन ना तो इधर अल्फा हाइड्रोजन, दूर वाला हाइड्रोजन, ठीक, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, अगर पोजिशन वाइज देखा जाए तो गामा हाइड्रोजन जो है टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि गामा हाइड्रोजन के निकलने से जो निगेटिव चार्ज आया है वो निगेटिव चार्ज घूमते टहलते रेजोनेंस करते कराते ऑक्सीजन तक चला आ रहा है। पहले यहां से यहां आया तो ये स्ट्रक्चर मिला, फिर यहां से यहां गया तो ये स्ट्रक्चर मिला, फिर जब यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया तो हाइड्रोजन भी आकर किसी जगह चिपक जाएगा और ये ओ एच हो जाएगा। तो इस तरह से फिर से कीटोन से इनॉल, और इस बार अल्फा हाइड्रोजन नहीं पार्टिसिपेट किया, गामा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये बीच में जो ये डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस में मदद कर रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखेगा लेकिन दूर से गामा हाइड्रोजन, दूर से गामा हाइड्रोजन जो है रेजोनेंस करते कराते ऑक्सीजन के पास उछलते कूदते यहां से किसी तरह से ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा और इसमें भी टॉटोमेरिज्म होगा। तो बस इस स्पेशल पॉइंट में हमें इतना ही कहना था कि इसका भी जरूरत पड़ने पर हम ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे हम दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।